नमस्कार, आज हम बनाने वाले हैं अरबी पत्ते के पतोड़, जिसे लोग पतेवरा और पातरा भी कहते हैं। बारिश के मौसम में अरबी पत्ते के पतोड़ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। पतोड़ तो लोग उड़द की दाल में बनाते हैं, चने की दाल में बनाते हैं, लेकिन आज हम पतोड़ को बेसन में बनाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पतोड़ बनाना। पतोड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 से 10 अरबी पत्ते लिए हैं। इसको हमने पहले से पानी से साफ करके लिए है। तो सबसे पहले हम जो पत्ते का डंठल है उसे काट कर निकाल देते हैं। जो पत्ते के मोटे वाले डंठल हैं उसे हमें इस तरीके से काट कर निकालना है। इसी तरीके से हम सभी पत्ते के डंठल को काट लेते हैं। सभी पत्तल के डंठल को हमने काट दिया है। अब पत्ते को हम उल्टा रखकर बेलन से बेलेंगे। ऐसा करने से पत्ते जो है मोड़ते समय फटेंगे नहीं। इसे हम ज़्यादा बेलन से नहीं बेलेंगे, केवल 1 से 2 बार घुमाएंगे। अगर हम पत्ते को बेलन से ज़्यादा दाबेंगे तो पत्ते फट जाएंगे। हम ऐसे ही सभी पत्ते को बेल लेते हैं। अब एक बड़े बाउल में हम डालेंगे 1 कप बेसन। बेसन में डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 छोटी चम्मच लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। अब सभी मसालों को हम बेसन में मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। पतोड़ के लिए हम बैटर को गाढ़ा बनाएंगे। इसे हमें बहुत पतला नहीं बनाना है। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें इमली का पानी भी डाल सकते हैं। पतोड़ के लिए हमने इतना गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम पत्ते पर लगाएंगे। पहले हम एक पत्ते को उल्टा करके बोर्ड पर रख देते हैं। अब पत्ते के ऊपर से हम बेसन को लगाएंगे। हाथ में हम थोड़ा सा बेसन लेकर पत्ते के ऊपर चारों तरफ से फैलाते हुए लगाएंगे। पहले पत्ते के ऊपर हमने बैटर को लगा दिया है। अब इसके ऊपर से हम दूसरा पत्ता रखेंगे। दूसरा वाला पत्ता हम इस तरीके से घुमा कर रखेंगे। अब इसके ऊपर से भी हम चारों तरफ से बेसन लगा देते हैं। हम पत्ते के चारों तरफ से किनारे किनारे बेसन को लगाएंगे, जिससे पतोड़ के अंदर बेसन पूरी तरह से लिपटा रहे। इसी तरह हम 3 से 4 पत्ते के ऊपर बेसन लगा लगा कर चिपकाएंगे। अब इसके ऊपर से भी हम चारों तरफ से बेसन लगा देते हैं। हमने इसमें लगभग 4 पत्ते में बेसन लगाकर चिपका दिए हैं। अब इसको हम पहले एक साइड से मोड़ लेते हैं। इसके ऊपर से थोड़ा बेसन लगा देते हैं। अब दूसरे साइड से मोड़कर इसके ऊपर से बेसन लगा देते हैं, जिससे रोल बनाते समय पत्ते खुले ना और अच्छे से चिपक जाएं। अब इसको हम थोड़ा नीचे से मोड़ेंगे और इसके ऊपर से भी थोड़ा बेसन लगा देते हैं। अब इसको हम मोड़ते हुए रोल कर लेते हैं। अब इसके हम दोनों कोनों पर भी बेसन लगा देते हैं। यहाँ पर हमने 2 रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम भाप में पकाएंगे। इसे पकाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। गैस को हमने ऑन कर दिया है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप पानी। अब इसके अंदर स्टैंड को रख देते हैं। स्टैंड के ऊपर हम इस तरह का एक प्लेट रख देते हैं। प्लेट में हमने पहले से तेल लगा दिया है। अब कढ़ाई को ढककर हम पहले पानी को उबाल लेते हैं। पानी उबल रहे हैं, अब हम ढक्कन को हटा देते हैं। अब हम प्लेट के ऊपर दोनों पत्ते के रोल को रख देते हैं।
अब कढ़ाई को ढककर पत्ते के रोल को 5 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। पाँच मिनट बाद हम ढक्कन को हटा देते हैं। ये रोल पूरी तरह से पक चुके हैं और टाइट भी हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को हम बंद कर देते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब रोल ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम पतोड़ जैसा काट लेते हैं। पतोड़ को हम थोड़े मोटे मोटे पीस में काटेंगे। सभी पतोड़ को हमने काट लिए हैं, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। पतोड़ तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है, गैस हमारा पहले से ऑन है। तेल को हम मीडियम में गरम करेंगे। तेल गरम हो चुके हैं, अब इसमें हम पतोड़ डालकर तल लेते हैं। पतोड़ को हम 2 भागों में करके तलेंगे जिससे हम इसको आसानी से पलट कर फ्राई कर सकें। पतोड़ को हम थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे। इसको हम दोनों तरफ से हल्के सुनहरे कलर में फ्राई करेंगे। पतोड़ सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम बाकी बचे हुए पतोड़ को तल लेते हैं। पतोड़ को हम मीडियम आंच पर फ्राई कर रहे हैं जिससे अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर हम इसे तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो पतोड़ ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम मीडियम आंच पर फ्राई कर रहे हैं। ये वाले भी पतोड़ फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे अरबिक पत्ते के पतोड़ बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हमने मूंगफली की चटनी पहले से बनाया था। यह पतोड़ मूंगफली की चटनी के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसे खट्टी चटनी या फिर अचार के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर अरबिक पत्ते के पतोड़ बनाकर खा सकते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।